मैं क्या खाना चाहती हूँ। हाँ मैं समझ गई, मुझे वॉफल चाहिए, क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ स्वादिष्ट घर का बना वॉफल। वॉफल दादी बेटी आटा गूंदने के लिए तैयार है। साधारण घर का बना वॉफल कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। नॉम नॉम, क्या हुआ, हम खाने की चुनौती में हैं, है ना? हाँ लेकिन हमें बेबी एमा को खिलाने की जरूरत है। तुम्हें नहीं सूजी, मेरी प्यारी एमा वॉफल मांग रही है और दादी उन्हें अभी पकाएगी। मैं आटा गूंथूंगी, मैं और आटा डालूंगी, फिर मैं अंडा तोड़ूंगी, बहुत सारी चीनी और सबसे ताजा दूध, और अब मैं एक विस्क के साथ सब कुछ ठीक से मिला दूंगी। आटा अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए ताकि कोई गांठ ना हो। तुम क्या देख रही हो रोज, आपका डो बहुत गाढ़ा है, लेकिन मेरा एकदम सही है। इसे प्लेटों में आसानी से डाला जा सकता है। प्रत्येक में फूड कलरिंग की एक बूंद डाले और डो तैयार कर ले। इस तरह से हमारे पास मल्टी कलर डो तैयार हो जाएगा, जिससे मैं रेनबो वॉफल बनाऊंगी। ये सबसे अच्छे वॉफल होंगे। ओह, वे पहले ही बैटर तैयार कर चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ मेरे पास एक आइडिया है, मैं न्यूटेला बैटर बनाऊंगी। आटा और दूध सीधे जार में डालूंगी और चॉकलेट बैटर तैयार करूंगी। बैटर तैयार है और अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। एक सुंदर भूरा वॉफल बाहर आ जाएगा। वाह, वहाँ शेफ क्या कर रही है, वह कुछ दिलचस्प लेकर। मैं एक वॉफल मेकर में मल्टी कलर्ड बैटर की लेयर्स डालूंगी, सावधानी से ताकि रंग आपस में ना मिले। मुझे दिल के आकार में इंद्रधनुष वॉफल मिलेगा, सुंदर और स्वादिष्ट। किसी भी डिश को प्रेजेंट किया जाए यह मायने रखता है। मैं रंगीन वॉफल को स्टिक में लगाऊंगी और उसके टिप को चॉकलेट में डुबोऊंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, और फिर इसे प्लेट में खूबसूरती से रख दूंगी और बस स्वादिष्ट और सुंदर वॉफल तैयार है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ शायद दादी ने इतनी खूबसूरत वॉफल नहीं बनाई है, लेकिन दादी जानती है कि उसमें क्या डालना है। हमें वॉफल के ऊपर मैपल सिरप को अच्छी तरह से डालना होगा, फिर चॉकलेट सॉस का एक जाल बनाए, ऊपर से पीसी चीनी छिड़के और स्ट्रॉबेरी डाले, और अब सही वॉफल तैयार है। मेरा अभी भी सबसे अच्छा है। ओह, और मुझे वॉफल को किसके साथ सजाना चाहिए? हाँ मेरे पास एक आइडिया है, स्किटल्स कैंडीज के साथ वॉफल सजाऊंगी तो वे भी रंगीन हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट। तो अब सब कुछ तैयार है, अब डिश को खाया जा सकता है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं इन वॉफल को खाती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है जैसा मैं चाहती थी। यह मुंह में आते ही घुल जा रहा है, बस उंगलियां चाटकर खाने लायक। अब आगे कौन सा खाऊं? ये रेनबो दिल अलग से लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसे वॉफल नहीं देखे हैं। मैं एक बार में दोनों वॉफल को खाऊंगी, मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, यह वॉफल कितना अच्छा लग रहा है, मैं यह खाऊंगी। बाइट लेना आसान नहीं था लेकिन स्वाद अद्भुत है। क्या यह न्यूट्रेला वॉफल है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे किसे चुनना चाहिए यह तय करना बहुत कठिन है, सभी वॉफल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह एमा, क्या तुम्हें मेरी वॉफल पसंद आई? दादी मुझे सब पसंद आया। ओह लगता है मैंने बहुत खा लिया, मुझे बचाओ, हमने उसे ज्यादा खिला दिया। सभी प्रतियोगियों को बधाई, यह राउंड ड्रॉ हो गया। और अब मैं चाहती हूँ मार्शमेलो के साथ कोको। अरे जागो कोको। हाँ छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, कोको कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ जल्दी तैयार कर दूंगी, मुझे कोको बहुत पसंद है। अरे दादी जागो, मैं सबको खिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दादी, उठो। अरे जागो दादी। क्या मेरी पोती कोको चाहती है? अब दादी इसे तैयार करेगी, मेरी बच्ची दूध पिएगी। और अब चलो कुछ न्यूटेला लेते हैं, लेकिन पहले दादी खुद इसे चखेगी। कितना स्वादिष्ट है, मैं और पेस्ट निकालूंगी और इसे गर्म दूध में मिलाऊंगी। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है, यह उबल रहा है, क्या तुम्हें कुछ अच्छी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं भी करूंगी, केवल किसी कारण से यह खुल नहीं रहा है। ओह, मैं पूरी भींग गई हूँ।
मुख्य बात यह है कि अभी भी दूध बचा है और मैं अपनी बहन के लिए कोको बना सकती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी चॉकलेट डालूंगी। इस तरह से मैं इसे लाइन में रखूंगी। और तुम छोटे चॉकलेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी पकाऊंगी। बस सभी को नीचे तक भेजना है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं एक शानदार डेजर्ट तैयार करूंगी, एक चॉकलेट बॉम्ब। स्वादिष्ट। सॉस को आधे गोल शेप में सांचों में डालें। फिर मैं इसे मोल्ड के किनारों पर चम्मच से समान रूप से फैला दूंगी। मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रखूंगी और थोड़ी देर बाद मुझे आधे गोले मिलेंगे। अब बस उन्हें भरना और जोड़ना ही बाकी रह गया है। मैं फिलिंग के रूप में कोको पाउडर का उपयोग करूंगी। मैं प्रत्येक आधे में एक चम्मच कोको डालूंगी। फिर मैं मुट्ठी भर मार्शमेलो लूंगी और उन्हें कोको पर ऊपर से रखूंगी। अब दूसरे गोले से इसे कवर करना बचा है और बॉम्ब तैयार है। फाइनल टच, मैं बॉम्ब पर चॉकलेट सॉस डालूंगी और थोड़े से नारियल के बुरादे भी। बहुत सुंदर। बॉम्बों को एक ग्लास गर्म दूध के साथ परोसा जाना चाहिए। कितना बढ़िया मास्टरपीस। तुम क्या बना रही हो? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है, दादी ने भी कुछ बुरा नहीं किया है। मैं एक कप में कोको डालूंगी और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। यह गर्म कोको में पिघल जाएगा। क्या खुशबू है। और बेशक मैं ओरियो चॉकलेट कुकीज जोड़ूंगी। आखिरकार मेरी पोती को चॉकलेट कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। क्या ऐसे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं? ओह, कितना भयानक। बचाओ, आग। ओह, इसे बुझा। ओह, ये एक नुस्खा है, मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यहाँ सब कुछ तैयार है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उसे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया जा सकता। हुरे, आखिरकार अब मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। यह क्या है? कुछ जले हुए की तरह बदबू आ रही है। मैं एक टुकड़ा ट्राई करती हूँ। आह, यह भयानक स्वाद का है, इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मेरा फेवरेट ओरियोस। दादी जानती है कि मुझे ओरियो कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। कुकीज को कोको में भिंगो सकते हैं। यह नरम हो जाएगा और मुंह में पिघल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट। कोको का स्वाद भी अद्भुत है। दादी आपने अच्छा किया, आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मुझे पसंद है। कैसा अजीब चॉकलेट बॉल है, मैंने अभी तक यह ट्राई नहीं किया है। शायद मुझे उस पर दूध डालना होगा। वाह, वह पिघल रहा है और इसके अंदर मार्शमेलो है। वाह, मैं इसका स्वाद लूंगी। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इस ड्रिंक को चुनती हूँ। मैंने इसे बनाया, मैं जीत गई, मुझे पता था। इसमें ऐसी क्या बात है? उफ, वह कितनी खड़ूस है। ओ मेरी प्यारी पोती। और अब मैं खाना चाहती हूँ मैकडॉनल्ड जैसे फ्रेंच फ्राइज। वाह, मुझे पता है कि इसे कैसे पकाना है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या? नहीं, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गाजर खाना बेहतर है। अब मैं अपनी पोती के लिए कुछ हेल्दी गाजर की छड़े पकाने जा रही हूँ। मैं गाजर को अच्छे से पतले टुकड़े में काट दूंगी। बस आप फ्रेंच फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते, लेकिन गाजर की स्टिक अधिक उपयोगी है। यह लो सूजी, इसे खा कर देखो। ओ, नहीं दादी, मैं नहीं चाहती। अपनी गाजर तुम खुद ही खाओ। हाँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे यह बहुत पसंद है। यह आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे पकाऊं? मैं इसे पहले साफ करने की कोशिश करूंगी। बस मैं छिलके को सभी तरफ से काट दूंगी। अब मैं स्लाइसर लूंगी। इसके साथ मैं आलू को टुकड़ों में भी काट सकती हूँ। यह हुई ना बात, मुझे कितनी सुंदर स्टिक्स मिले हैं। अब उन्हें तला जाना चाहिए। इसे डीप फ्राई करने में बहुत सारा तेल लगेगा।
चलो इसमें तेल डालते हैं और आग तेज करते हैं। ओह, तेल जल रहा है, बचाओ। तुम क्यों चिल्ला रही हो सूजी? वो क्या पका रही है? मैं चेक कर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ तेल है? ओह, कितनी अजीब है। वह इसलिए इतना उपद्रव कर रही थी। दादी, क्या आपको गर्म महसूस नहीं हो रहा है? यह सब कुछ जलने वाला है। सूजी, आग को धीमा करो। यहाँ मैं कर्ली आलू बनाऊंगी और मैं इसे एक स्टिक पर लगाऊंगी। यहाँ तक कि सबसे साधारण डिश को भी अच्छे से प्रेजेंट करने के कारण सुपर बनाया जा सकता है। बस हो गया, मैं एक स्टिक को इसमें से लगा दूंगी। कितना सुंदर है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आलू फेंक दूंगी। दादी, मुझे बचाओ। सूजी, चिंता मत करो, बेहतर होगा तुम गाजर खाओ। ओ नहीं, ठीक है, दादी इसे खुद खाएगी। पता नहीं वो फ्राई हुआ या नहीं। लगता है हो गया है। वाह, मैंने कर लिया। मैं सब कुछ एक पैकेट में डालूंगी और केचप डालूंगी। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। ओह, तुम बच्चे भी ना, मेरी गाजर की स्टिक खाना बेहतर होगा। केवल विटामिन, स्वादिष्ट और हेल्दी। मुझे लगता है कि तेल गर्म है, अब इसमें आलू तल सकते हैं। मैं इसे एक बढ़िया फ्रेंच ट्रफल सॉस के साथ परोसूंगी। यहाँ सब कुछ तैयार है। एमा, तुम इसे अभी चख सकती हो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह, कितना अलग सा आलू है, मैंने पहले कभी यह नहीं खाया है। मैं इसमें सॉस मिलाऊंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। ये बहुत क्रंची और जूसी है। बहुत स्वादिष्ट, मुझे यह आलू पसंद है। और यह क्या है? क्या अजीब नारंगी रंग है? यह फ्रेंच फ्राइज जैसा दिख रहा है और स्वाद। ओह छी, ये गाजर है। मुझे गाजर से नफरत है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, क्या कोई मैकडॉनल्ड से आलू लाया था? केचप के साथ आलू सही कॉम्बिनेशन है। मैं सीधे पैक में थोड़ा डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। अब इसे खाया जा सकता है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। हम मैकडॉनल्ड्स फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, ये मेरा आलू है, मैं जीत गई। मैं कितनी अच्छी हूँ, तुम हार। चैलेंज। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओ वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासी लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह, मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए, मैं कुकिंग क्लास में सीखा है यह। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? ओ, लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही है। मुझे लेगो क्रेन मिल गया, मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी, आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है, असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है, हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो, मेरा केक तैयार है।
मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत। जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है, क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? यह कितना अच्छा है। आह, गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। आह, यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है, चलो अभी इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा, यह सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं है। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है, मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए, क्या आप संभाल लेंगे? ओ, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है, कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में खुद सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, बेशक पोती। क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं, जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज यह कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। यह मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं, मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे, अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो। बढ़िया, तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो, एकदम भव्य केक, चॉकलेट और वनीला एक ही समय में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं, अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो, तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं, उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया, अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है, अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी, ठीक हो जाएगा। तुम कितने आशावादी हो, इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा, ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं, बहुत मीठा होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे, अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो, तो हम शुरू करें। लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी आपने हर संभव मदद की। वाओ, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे, और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया, बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट, बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ, वह पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10,00,000 लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो, इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, यह केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ, मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे, लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक,
आसान। मुझे कुछ केले चाहिए, छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छे तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास असली, हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो है ना ये अच्छा। वाह दादी, क्या रेसिपी आपको अपनी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरामेल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? ये है ना शानदार। ये बहुत स्वादिष्ट होगा, चलो देखो। मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है? है ना असली केक की तरह? चलो देखो। आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे अरे नहीं, दादी गिर रही है। पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया। और केक सचमुच अच्छा है, मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह अद्भुत लग रहा है, मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप, यह वाला, इस केक को काटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है और इसका स्वाद भी दादी की तरह है। स्वादिष्ट बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह बधाई हो सैंडी, तुम जीती है। दादी दादी जीत गई, सब जीत गए। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ, वहाँ आटा डालना बाकी है। और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है। और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह,
मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम ये घटिया कुक हो, तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते, तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूँगी, और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं, तो वे रंगीन स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ इसे पलट दिया, और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है, मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा, इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं, एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक्स स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे, हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स, लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर आजमाने के लिए केवल एक बच्चा है। दादी मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं, तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा, फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है, मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ महक अद्भुत है, लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए। लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा, चलो। ओह अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूँगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो, हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ और यह बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो, और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ, और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है।
क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है, वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो, तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है, यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है, स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या। आखिर बॉल की तरह लग रहा है, इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत ही पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था, आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान, मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा, इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है, फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद, यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है, फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है, केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है, यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है, हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है, है ना अच्छा? हाँ,
सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूँ, शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि यह आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है, मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।